एस्पिरेंट, इट्स टाइम टू वेक अप। सो मैं यहाँ पे उड़ गई थी अराउंड 6 AM। मैंने उड़ते ही अपना बेड ठीक करा, देन उसके बाद में मेरी आँखें ही नहीं खुल रही थी। सो हेलो टू ऑल यू गाइस। उसके बाद में मैं व्यू देखने गई मॉर्निंग का, देन उसके बाद में मैं नहा के रेडी हो चुकी थी। फिर स्किन केयर किया मैंने, फिर उसके बाद में मैंने चाय बनाई मम्मी पापा के लिए भी। उसके बाद में मैंने डायरी ऑर्गेनाइज किया। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस मेरी अभी टू डू लिस्ट बन चुकी है, तो मैं सबसे पहले एनसीईआरटी रीडिंग से स्टार्ट करूंगी, देन उसके बाद में फॉर्मूले रिवाइज करूंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं दोनों में लेक्चर देखूंगी जो मेरे बैकलॉग रहेगा। फिर उसके बाद में मैं डीपीपी सॉल्व करूंगी और एमटीजी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी मॉड्यूल वाइज। और मैं बायो मॉलिक्यूल के मैं दोनों लेक्चर देखना बाकी है, तो मैं वो भी देखूंगी। केमिस्ट्री के मैं सॉलिड स्टेट के दोनों में लेक्चर देखूंगी, और बाद में दोनों के भी अलग अलग डीपीपी लगाऊंगी। सो थैंक। सो मैं एनसीईआरटी रीडिंग से स्टार्ट कर रही हूँ बायोमोलिक्यूल से। ये चैप्टर मेरा काफ़ी मतलब बैकलॉग रह गया था, और मुझे ये समझने में थोड़ी सी बहुत डिफ़िकल्टीज जाती है, तो मैं यहाँ पे रीडिंग करने बैठ गई। एक एक लाइन को मतलब प्रॉपरली मैं पढ़ के उसको डीप में समझने की कोशिश कर रही हूँ, और उसी से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसको ईजीली सॉल्व कर सकूँ। मैं इसी दिन से आज से मैंने ऐसे डिसाइड किया कि प्रॉपर स्केड्यूल बनाऊँ और मैं रेगुलर व्लॉग डालते रहूँ, कि जिससे आप भी मोटिवेट हो और मैं भी मोटिवेट हूँ। और मैं नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि 24 का पेपर तो दिया बट तुम स्कैम देख सकते हो, मेरा स्कोर कुछ ठीक नहीं है। गाइस स्कोर पूछना हो तो कमेंट करना, मैं स्पेशल उस पर वीडियो बनाऊँगी। सो लेट्स डू इट टुगेदर। After that I started with physics formula, current electricity के मैंने सारे पहले formulas revise कर दिए, क्योंकि ये topic मतलब hard से भी hard है, but मैंने मतलब धीरे धीरे इसको cover करने की कोशिश करी है और learn करने की कोशिश करी है। So let's begin with our first today lecture, it's current electricity from physics। सो मैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रही हूँ डायग्राम और एग्जांपल के मदद से। व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी आप ज़रूर बताना कमेंट में, तो मैं आपको बता दूँ। इट इज़ अ सिंपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर, मेजर इन एम्पियर एंड कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चार्ज बाय टाइम। सो इसका सबसे ईजी फॉर्मूला बताओ कि जिससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको, ये तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे निकल जाए। सो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। तो ये मैंने लास्ट में सॉल्व करा है, आप देख लेना कि मैंने किस डीपीपी से सॉल्व करा है। Thank you.
भी डिस्ट्रैक्शन और फ्रस्ट्रेशन फील करती हूँ और मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, मतलब मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ, बट जनरली मैं इवनिंग के टाइम पे करती हूँ क्योंकि दिन भर का पूरा फ्रस्ट्रेशन मेरा पूरा मतलब ये मेडिटेशन करने से ठीक हो जाता है। सो डू मेडिटेशन एवरी डे टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर स्टडीज, इट्स हेल्प अस। Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far.